रोबोट 2.0 की ओपनिंग फक्स ऑफ हिंदुस्तान से ज़्यादा बताई जा रही थी, यानी कि 50 करोड़ से ज़्यादा। तो दोस्तों, ये दावे तो केवल 50 से 60 करोड़ के थे, लेकिन अब जो दावों की बात हो रही है वह अब और अधिक हो गया है। दोस्तों, रोबोट 2.0 की बुकिंग उत्तर भारत में जैसे ही शुरू हुई, ये आंकड़े कम से कम 50% और बढ़ गए। रोबोट 2.0 की फर्स्ट दिन की कमाई 100 करोड़ से अधिक आका जा रहा था, वो भी केवल भारत में। रोबोट 2.0 फिल्म ने 50 से 60 करोड़ की कमाई केवल साउथ इंडस्ट्री में ही कर सकती है, जबकि उत्तर भारत में यह फिल्म 40 से 50 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। तो यह फिल्म अपने पहले ही दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, वो भी केवल भारत में ही। मैं आपको बता दूं कि रोबोट 2.0 इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। ऐसी फिल्म आज से पहले ना भारत में आई थी, और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या रोबोट 2.0 को टक्कर देने वाली कोई फिल्म बनेगी। बॉलीवुड सिनेमा, भारतीय सिनेमा और साउथ सिनेमा का नाम ऊंचा करने के लिए रोबोट 2.0 का नाम ही काफी हो गया है। दोस्तों, अक्षय कुमार, रजनीकांत और डायरेक्टर शंकर की भी भरपूर तारीफ करनी होगी। दोस्तों, एमी जैक्सन की भी तारीफ करनी होगी। दोस्तों, और रोबोट 2.0 की पूरी टीम की भी तारीफ करनी होगी, जो इतनी शानदार फिल्म इतने रिस्क को लेकर बनाया है। 650 करोड़ रुपए लगाना किसी भी फिल्मकार के लिए कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन वो इन्होंने कर दिखाया। अब इसके आगे पब्लिक की बारी है कि पब्लिक इस फिल्म को कितना प्यार देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार यह फिल्म कितना कमाएगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।